अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम करने वाले हैं फुल कवरेज बेस ट्यूटोरियल। ये जो मेकअप बेस हम करने वाले हैं, इससे बिल्कुल भी आपको स्वेटिंग नहीं होगी चाहे कितनी भी गर्मी हो। बस आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी टिप्स का जो मैंने इस वीडियो में बताई है। तो वीडियो एंड में यूज करूंगी पर्पल का प्राइमर। तो सबसे पहले अपने आईब्रोज को स्पूली से ग्रूम कर लूंगी मैं अपवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद मैं अपने आईब्रो फिल करूंगी इन कलर के जेल लाइनर से। ये ब्राउन टोन में है और उसी के साथ ये ब्रश आया था, उसी से मैं फिल करूंगी अपने आईब्रोज। फुल कवरेज फेस मेकअप करने वाले हैं तो उसके लिए हमें अपनी आईज पे भी कंसीलर अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अपनी आईज पे कंसीलर के लिए यूज करूँ इस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 02। और मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। कंसीलर की हेल्प से अपनी आईलिड को सेट कर लिया है। उसके बाद हम अपनी आईलिड को सेट करेंगे इस फ्लफी ब्रश से। और ये जो पैलेट है इसमें से हम व्हाइट शेड लेंगे अपनी आईलिड को सेट करने के लिए। तो फुल कवरेज बेस के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबी इनका सुपर स्टे फाउंडेशन इन दी शेड 120 क्लासिक आइवरी। ये बहुत अच्छा फुल कवरेज फाउंडेशन है और क्योंकि ये फाउंडेशन मैट लुक देता है तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। लगाने के बाद ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती और ये एक मैट फाउंडेशन है। एक पंप इसका हम लेंगे। फिंगर की हेल्प से मैं पूरे फेस पे डॉट 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 करके फाउंडेशन को अप्लाई कर लूंगी। इस तरह से आपको डॉट 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 करके अप्लाई करना है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूंगी। और ये जो मेबेलिन का फाउंडेशन है ये ब्रश से भी बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। तो आप जो प्रीफर करते हो चाहे ब्यूटी ब्लेंडर चाहे ब्रश, ये दोनों चीजों से बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। और आप देख सकते हो कितनी फुल कवरेज है इसकी, एक भी मेरा स्पॉट नहीं नजर आ रहा है। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर क्योंकि ये काफी हाई कवरेज कंसीलर है और गर्मियों के लिए भी बेस्ट है। इससे भी इसको भी लगाने के बाद काफी देर तक स्वेटिंग नहीं होती है, लेकिन स्वेटिंग आपको होगी ही क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मेकअप को पाउडर से सेट करें। खैर पहले हम कंसीलर लगा लेते हैं। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर इन दी शेड 03। कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। पाउडर से सेट करने से पहले ही मैं कॉन्टोर अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पे। कॉन्टोर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये सिवाना की पैलेट, इसमें से ही कॉन्टोर शेड लूंगी। तो अच्छे से अपर डायरेक्शन में ब्लेंड कर लेना है। कोई भी लूज पाउडर अप्लाई कर सकते हो आप। और उसी सेम स्पॉन्ज में मैं लूज पाउडर लूंगी और इस तरह से अपनी आईज को बेक करूंगी क्योंकि गर्मी है और हमने फुल कवरेज फाउंडेशन और फुल कवरेज कंसीलर लगाया है तो उसको बेक करेंगे हम। और बचे हुए फेस को सेट कर लूंगी। मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से पे जितना भी हमने पाउडर अप्लाई किया तो उसको डस्ट आउट कर लूंगी। भी एक्सेस पाउडर नहीं होना चाहिए फेस पे। मैट लगाओगे तो वो काफी हद तक कवर करती है आपके टेक्सचर को, तो इसीलिए मैं यूज करूँ यहाँ पे शुगर का ब्लश इन दी शेड 02। और इस तरह के डेंस फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं ब्लश अप्लाई कर लूंगी। हाइलाइटर के लिए यूज करी हूँ मैं ये सिवाना की पैलेट, जिससे हमने कॉन्टोर किया था वही सेम पैलेट है ये। इसमें से मैं ये वाला हाइलाइटर शेड और ये वाला हाइलाइटर शेड दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं लगाना, हमें सेटल रखना है हाइलाइटर को। मेकअप फिक्सर के लिए मैं यूज कर रही हूँ 7C's का ये मेकअप फिक्सर।
पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।